हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है महजो बेगी किचन में। आज मैं बना रही हूँ चिप्स, आलू के चिप्स बना रहे हैं जो बहुत ही कुरकुरे खस्ता करारे बनकर तैयार होते हैं। और देखिए, हमने बहुत सारे चिप्स बनाकर रखे हैं रमज़ान के लिए। रमज़ान आने वाले हैं फ्रेंड्स, ये आप भी ज़रूर बना के रखिएगा। आप इनको बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस टाइम आलू भी बहुत सस्ते हैं, तो आप बहुत सारे चिप्स बनाइए पूरे साल के लिए, और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। अब उसके बनाने के लिए आलू लिए हैं हमने 5 किलो। हम 5 केजी का बना रहे हैं, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इतने ही आलू लिए हैं। अब इनको जो मैं आलू को छील लूँगी, आप कोई से भी आलू ले सकते हैं इसके लिए, चिप्स के लिए। सब आलू से परफेक्ट चिप्स बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा आप साइज़ देख लीजिएगा, बड़ा साइज़ ले लीजिएगा, जिससे कि आपके चिप्स जो है बड़े बड़े आएंगे। तो हम मैंने इस तरह के आलू लिए हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। इनको मैं छील लूँगी इस तरह से, और फिर हम इसको कटर से इसको काट लेंगे आलू को। तो देखिए, हमारा आलू हमने छील लिया है। इसी तरह से हम आलूओं को छील लेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं चिप्स। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चिप्स बनाकर रखिएगा ज़रूर, आपको पसंद आएंगे और आपके घर में भी सबको। देखिए, अब मैंने पानी ले लिया, पानी में मैं इनको घिस लूँगी आलू को। मैंने कटर ले लिया है आलू काटने का, तो आप छोटे बड़े, आप तिरछे काटेंगे तो आपके ज़्यादा बड़े आ जाएंगे, इस तरह से काटेंगे थोड़े छोटे आएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसमें घिस सकते हैं जितने बड़े आपको रखने हैं, और पानी में रखें जिससे कि काले भी नहीं पड़ेंगे हमारे आलू। आलू भी काले पड़ जाते हैं रखे हुए। तो देखिए, इस तरह से मैं इनको सारे आलूओं को घिस लूँगी। तो आप जितने जितने आपके घिसे, तो आप उनको बनाकर डाल दीजिएगा सूखने के लिए, इतने और तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, हमने आलू को घिस लिया है इस तरह से, कट गए हमारे सारे आलू इस तरह से। और अच्छे से मैंने इनको धो भी लिया है, इसका सारा कालापन निकल गया हमारे आलू का। देख सकते हैं आप, कितने साफ सुथरे हमारे आलू दिख रहे हैं ना। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पर मैंने पानी रख दिया था और ये उबाल आने वाला है, बहुत गर्म हो गया है पानी। अब चाहे आप उबाल आने दें तब डालें, मैंने डाल दिया है, उबाल भी आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से मैं आलू को डाल दूंगी। और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें जो हम एक उबाल लगा लेंगे, ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, पानी जितना है उसके हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। तो देखिए, हमारे इसमें उबाल आ गया, तो इसको निकाल लेंगे। हमें गलाना नहीं है आलू को, बस एक उबाल लगाना है। उबाल से ही थोड़े से ये स्टीम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं आलू को सारे निकाल लूँगी, कटे हुए आलूओं को। तो इसी तरह से हम जो भी हमारे सारे आलू हैं, तो बार बार डाल के हम इस तरह से निकाल लेंगे, और गलाना नहीं आलूओं को, और इनको डाल देंगे धूप में एक एक अलग अलग करके। और ये इस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, तो काले भी नहीं पड़ते हैं हमारे चिप्स, जैसे हैं वैसे ही दिखने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमने आलू को उबाल लगा लिया है, अभी इसमें भी आलू डाल देंगे हम। तो इस तरह से हम डाल डाल के सारे आलू को ऐसे ही एक उबाल लगा लेंगे। तो इनको भी ऐसे ही निकाल लेंगे, और झटपट से ये तैयार हो जाएंगे। देखिए, हमने सारे आलू को निकाल कर इस तरह से फैला दिया है धूप में, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़े से सूखने भी लगे हैं, आप देख सकते हैं ना। तो ये थोड़े से सिमटने लगे हैं सूखकर। मैंने सारे आलूओं को इस तरह से अलग अलग करके फैला दिया है, और ये शाम तक बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, तैयार हो जाएंगे खाने के लिए, फ्राई करने के लिए। तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स ये, आप एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, हमारे सारे चिप्स सूख कर तैयार हो गए हैं बनाने के लिए और खाने के लिए।
है ना एकदम। और कलर देखिए बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, और कलर बहुत अच्छा रहा है, बिल्कुल कालापन इसके अंदर नहीं आया है कहीं से भी। आलू के अंदर बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं और परफेक्टली ये सूख भी गए हैं। धूप भी बहुत तेज हो रही है, अच्छे से सूख जाएंगे फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा। अब इनको फ्राई कर लेते हैं, कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बना रही हूँ अभी, आपको जितने चाहिए हो आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा। देखिए डालेंगे और कितने अच्छे से ये फूल रहा है हमारे चिप्स, और सारे हमारे अच्छे से फूल रहे हैं और साइज में भी बड़े हो गए हैं ना फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली है, और आप इसको इंजॉय कीजिएगा। इस पे चाट मसाला डालें अगर आपको चटपटे चाहिए, या तीखे करने हैं तो आप इस पे चिली फ्लेक्स डाल दें तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको फ्रेंड्स। हमारा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। आप देखिए तैयार हैं हमारे चिप्स, हमारे चिप्स बनकर फ्राई होकर खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।